guys, you're watching Hindustan Cricket Jindabad. Please like and subscribe for latest cricketing updates from the world of Park Media. Thanks. मार चलो सबसे पहले कहना चाहेंगे न्यूजीलैंड वाला सूजी है आज बनता है पिछले मैच में न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेला था लेकिन आज तो शुरू होती खत्म हो गया समझ नहीं लगी ये वो वाली मूवी का आज की जो न्यूजीलैंड ने बैटिंग की है ना उस पे वो डायलॉग बैठता है ये तो टट्टी है यार मैं सिर्फ एक बात बोलूं दुनिया की नंबर वन टीम दुनिया की नंबर वन टीम न्यूजीलैंड इतने बुरे तरीके से आ रही है मैं इधर एक और बात ऐड करना चाहूंगा यार देखो काफी लोग बोलते हैं हमारे पाकिस्तानी भी बोलते हैं मैं झूठ नहीं बोलूंगा वो कहते हैं इंडिया अपने कंट्री में जो है ना बहुत ज्यादा टीमों को हराता है ये वो सब कुछ करता है आप और भी आंकड़े उठाकर देख लो डबल सेंचुरियां बन रही है बांग्लादेश में डबल सेंचुरियां बनाई है भाई भारत अनस्टॉपेबल टीम है 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम है सबसे मैं कहता हूं दुनिया की डेंजरस टीम है हिटमैन ने क्या खेला आज बना लिया आज उन्होंने खेली और फास्टेस्ट हालांकि स्कोर इतना नहीं था वो चाहे तो स्लो खेल सकते थे उन्होंने क्या भाड़ में गया मैच उनकी मारूंगा और ये दबा के मारी न्यूजीलैंड वालों आज मैं बोलूंगा सूजी है बहुत गंदी सूजी है सीधी सी बात है अभी 90 रन बन गए था हम पहले ही आगे क्योंकि जरूरत नहीं आगे करने की 90 रन 18 रन रह गए वो तो मैं बच्चा भी आगे बना लेता गुड इवनिंग सत श्री अकाल नमस्कार तो 24 में से 22वीं होम ओडीआई सीरीज की विक्ट्री टीम इंडिया को मुबारकबाद और जो दो नहीं जीते वो हारे भी नहीं है वो ड्रॉ ही है दो सीरीज तो कहने का मकसद यह है 24 में से 22 विक्ट्रीज दिस इज कॉल्ड डोमिनेशन जी कहिए पाकिस्तान का बदला ले लिया इंडिया बड़ी मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया जी दिस इज कॉल्ड डोमिनेशन दिस इज कॉल्ड और देखे रोहित शर्मा ने आज फिर अपने छक्कों की तादाद बढ़ाते हुए टीम इंडिया के ओडीआई में लीडिंग 260 प्लस 266 या कुछ इतने हो गए हैं और सिराज 2022 से अब तक 600 प्लस द मोस्ट बाय एनी बॉलर डॉट बॉल्स इन ओडीआई 600 प्लस डॉट बॉल्स रिजवान साहब एक कोई मजाक नहीं है कि आप देखें अगर 10 ओवर है तो 10 ओवरों में 60 ही होती हैं आप ज्यादा से ज्यादा तो सोचे इसने जितने मैच अब तक खेले हैं तो कितनी डॉट्स डाल चुका है तो ये देखें टीम इंडिया का यही है अगर ये आज तो बहुत अच्छी रोहित ने आज देखे सारे बॉलरों को अपने रोटेट किया सारे बॉलरों ने उसको विकेट लेके दी फॉर मी शमी वाज गुड बट हार्दिक पांड्या ने जिस तरह बॉलिंग की है ना वो भी बड़ा मजा आया ही वाज पम्प्ड अप ही वाज हंग्री चाहता था फिर रोहित शर्मा ने जिस तरह छक्के चौके लगाए हैं पुरसकून होकर जिसे कहते हैं ना 72 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप यू विल टेक इट एनी डे मजेदार खेले हैं सुकून से खेले हैं ठीक है शिपले ने फिर LBW किया सेंटर ने वो रॉन्ग फुटेड फिर हुआ विराट कोहली जब आगे बढ़ा खेलने के लिए जारी बात है रॉन्ग फुटेड होंगे पांव उठ जाएगा तो फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा 21 ओवर में फारिग कर दिया तो वो जो ब्रेसवेल है माइकल ब्रेसवेल उसने बेसिकली वो बैटिंग करके झिंझोड़ दिया था इंडियन बोलिंग को और आज आपने देखा कि एक सपोर्टिंग विकेट इन अ सेंस कि इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने आउट किया लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं कोई ऐसा विकेट नहीं था आइडियल कंडीशन थी ये बैटिंग के लिए और इस विकेट पे लंबा टर्न हो रहा है अगर ये 250 रन का मैच होता तो बॉल ब्रेक होना शुरू हो गया था अभी जिस तरह से आपने देखा विराट के अगेंस्ट के बॉल सेंटर का ब्रेक हुआ माइकल ब्रेसवेल का ब्रेक हुआ बट हेड्स ऑफ टू मोहम्मद शमी जो उनका अर्ली स्पेल था उन पर इस वक्त बहुत ज्यादा कि हम खुद उनकी प्रमोशन में लगे रहे वर्ल्ड कप में के यार बुमराह की जगह उनको होना चाहिए और वो हुए लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ इंडिया को नॉकआउट के स्टेजेस में जाकर फ्लैट हो गए और उसके बाद सिराज के साथ एक लीडिंग बॉलर को सामने आना है जब तक बुमराह अनफिट है तो शमी ने वो रोल प्ले किया और मैं बस यही कहूंगा कि जनाजा निकाला है आज इंडिया ने नंबर वन ओडीआई टीम का और ये मुझे करीब करीब वैसी ही नंबर वन ओडीआई टीम लगती है जैसे कुछ बल्लेबाज नंबर वन हो जाते हैं अपने अपने रन कर और टॉप ऑर्डर यार वो कॉनवे वो मिचेल वो फिलिप्स खेला 34 रन किए लेकिन समझ नहीं आया माइकल ब्रेसवेल ने जब दो चौके मार लिए तो वो ईगो हट हो रही थी उसकी वो और मारने चला गया उसने बाउंसर पे डक करना जो है ना वो इज्जत नफ्स मजरू हो रही थी उसकी तो वो भी निकल गया भाई तो अब मैं आपको क्या बताऊं कैसे बताऊं बट वो कहेगा लेथम बोलेगा हमने डोमिनेट किया अच्छा लेथम उसने डिक्टेट ये नहीं कहेगा कि हमने अच्छा ये अभी दो दिन पहले ही आपको पता चला होगा न्यूजीलैंड की जो वजीर आजम है उनको जब पता चला कि न्यूजीलैंड सीरीज जीत गया पाकिस्तान से बड़ी अच्छी खातून है सीरीज जीत गया ओडीआई इमरान खान साहब भी एक बार बात कर रहे थे उनसे सीरीज जीत गया उन्होंने इस्तीफा दे दिया बोला यार न्यूजीलैंड से जीत गया पाकिस्तान इस्तीफा दे दो इस्तीफा दे दिया उन्होंने मतलब वो आज मेरे ख्याल में
दे दे दी इस्तीफा जब न्यूजीलैंड यहाँ सीरीज आ रहा है तो आज दे दी। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले को जो है ना अब मजीद मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो एस कैप्टन जो है ना अपनी एबिलिटी दिखाते हुए नजर आए आज। ठीक है लो स्कोरिंग था इसमें इंडिया को कसूर नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ भाई आज रोहित शर्मा खुद बैटिंग कर लेते। आज उनका फील्ड का जो फैसला है जो फ्रीजिंग फैसला था उनका आज बड़ा मजा किया लोगों ने आज उनके टॉस के ऊपर जब रोहित शर्मा भूल गया कि उन्होंने बोलना क्या है। वो भूल ही गए थे, वो एक मिनट तक सोचते रहे कि उन्होंने करना क्या है। फिर उसके बाद रवि शास्त्री ने उनको याद दिलाया कि भाई आप बताइए फैसला क्या किया, फैसला क्या किया। तो फैसला उनका मुझे लगता है कि यार आज मौका लेना चाहिए था आज कि आपने जरा छत्तीसगढ़ के लोगों को जरा बताना था कि आज बल्लेबाजी होती क्या है। वह ठीक है लो स्कोरिंग मैच जरूर रहा मगर ये कि वासी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 225-250 रन जो है ना मैच को थ्रिलर और अच्छा बना सकते थे, इस विकेट में पोटेंशियल था भाई जो साफ बात है। मगर ये कि ऑस्ट्रेलिया को एक चेतावनी दे दी है जरूर इंडिया ने आज न्यूजीलैंड को मारकर। अच्छा न्यूजीलैंड की ये टीम हल्की नहीं थी जो ये कह रहा हल्की है वो जरा भी पिछली बार कौन हल्की है पिछली बार। लेकिन हाँ यार ऐसी कंडीशन में विलियमसन का विकेट पे सोना, वैसे इस विकेट पे विलियमसन के रन आना बड़े मुश्किल थे। कमाल सुपर डुपर किस्म का जो इंडिया ने परफॉर्मेंसेस दिखाई ना सिर्फ बैटिंग से बल्कि बॉलिंग से दोनों तरफ से इंडिया ने इस न्यूजीलैंड को टोटली आउट क्लास कर दिया। और ओडीआई सीरीज जो कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से यही न्यूजीलैंड की टीम थी आपको 2-1 से सीरीज जो है यहां से मार कर गई थी लेकिन वहां जाकर बुरी तरीके से पेल के रख दिया इसको इंडियन टीम ने और 2-0 से इंडिया की टीम ने सीरीज अपने नाम कर ली है। ओडीआई सीरीज जो है इंडिया जीत गया है। जितनी तारीफ की जाए आज मोहम्मद शमी की वो कम है, सिराज की जितनी तारीफ की जाए वो कम है और आज तो फिर रोहित शर्मा का भी बल्ला बोला है और 51 रन जो उन्होंने मारे हैं शानदार किस्म के कमाल सुपर डुपर किस्म की इनिंग रोहित शर्मा के बल्ले से भी आ जाई है। एक स्पेशली जो उन्होंने छक्का मारा है जो थोड़ा सा रूम बना के छक्का मारा है उसकी तो बात ही अलग है। क्या कमाल किस्म का साउथ इंडिया जीत गया है। देखिए बिल्कुल बहुत ही मजेदार और बहुत ही कमाल किस्म की रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की और आपको याद होगा जी कि जब टॉस पर आए थे रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा ने 3-4 मिनट ले लिए थे खाली ये कहते हुए कि बॉलिंग करनी है कि बैटिंग करनी है, परेशान हो गए थे लेकिन लग रहा है कि बड़ा ही राइट टाइम पर डिसीजन लिया था उन्होंने क्योंकि उसके बाद तहस नहस कर दिया। 6 बजे मैच खत्म हो गया अभी हमारे यहाँ तो 6 बज रहा है टोटल तो इंडिया में 6:30 बज रहा होगा। 10 बजे वाला मैच था और ये ब्रॉडकास्टर्स की तो लगा के रख दी लेकिन कमाल अली बहुत जबरदस्त बहुत ही शानदार बहुत ही बल्ले बल्ले बहुत ही कमाल किस्म की ना सिर्फ सीरीज जीत लिया मैच भी जीत लिया और सीरीज अपने नाम किया 2-0 से। यही न्यूजीलैंड की टीम थी कि हम 2-1 से हार कर आए थे क्योंकि यही बात हो रही थी हमें लग रहा था कि आसान नहीं होगा इंडिया के लिए भी क्योंकि पाकिस्तान को इसने घर पर आया हराया वैसे न्यूजीलैंड टीम ने कॉन्फिडेंस इसके हाई थे। एक तरफ इंडिया ने श्रीलंका को हराया था तो इंडिया ने सॉरी न्यूजीलैंड जो है पाकिस्तान को हराकर आ रही थी तो कॉन्फिडेंस बड़ा इनका हाई अप हुआ होता लेकिन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और इंडिया ने टोटल पे 5 कर दिए। सबसे बड़ी बात है देखो ये कोई ऐसी टीम नहीं है ये कोई आपकी कह लो कोई बांग्लादेश नहीं है कोई नेपाल नहीं है कोई छोटी मोटी टीम नहीं है ये यूएई की टीम नहीं है भजन ये टीम है न्यूजीलैंड की। ये वो टीम है जिसने 2019 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ 50 ओवर का उनको सिंगल हैंडेडली मार देना बहुत बड़ी बात और इंडिया ऐसी लाजवाब परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा एक मैच में जिस तरह इन्होंने श्रीलंका के साथ बुरा हाल किया था याद है 200 ओवर खाना खाने गया ही था तो वापस आना फौरन पड़ा क्योंकि श्रीलंका को जो है उन्होंने पंडल करके मार दिया लेकिन आज शुक्र है रोहित शर्मा ने मेरी सुनी मैं खाना खाकर वापस पहुंच गया तब जो है ये मैच रोहित शर्मा ने जो खत्म किया नहीं तो जितनी वो तेजी से वहां शॉटें मार रहे थे मैं तेजी से नवाले ठूस रहा था। रायपुर के बारे में क्या कहेंगे 75,000 क्राउड आया था इंटरनेशनल 75,000 बोल रहे हैं कुछ 65,000 हक्का बक्का रह गया कि भाई हमारे साथ ये हुआ क्या है हमारे साथ ये हो क्या रहा है। न्यूजीलैंड को समझ नहीं आ रहा था इस लेवल की बॉलिंग हुई है इतनी आला दर्जे की बॉलिंग हुई है ना भाई आज कि आप सोच नहीं सकते। आपने इससे पहले तूफान का नाम तो सुना होगा तूफान 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 लेकिन आज आपने तूफान देख लिया है भाई आज आपने सिराज और शमी और हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की सूरत में आपने तूफान देख भी लिया होगा कि भाई तूफान होता क्या है। ये होती है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग इसको बोलते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। ये बॉलिंग हम इंडिया की टीम से चाहते होते हैं जब भी अक्सर हम देखते हैं इंडिया की टीम की जो है वो लगती है उस तरह से स्कोर इंडिया की टीम नहीं रोक पाती तो हमारी यही विश होती है कि यार इस टीम में इतना पोटेंशियल है इस टीम के अंदर इतनी तो जिसको कहते हैं ना हमने इनकी बॉलिंग का एनालाइज किया हमने देखा इनकी बॉलिंग इनकी बैटिंग से कमजोर है कुछ ऐसा ही हमने कहा था। बिल्कुल भाई जिसको आपकी इंडियन की टीम के तो जिसमें कोई भी मसला हो रहा हमें बता दिया करो हम उसको इससे कहते हैं ना बात करें अगले दिन वो सही कर लेते हैं हम इनकी इससे कहते हैं कभी बल्ले बल्ले वो हमारी वीडियोस देखते होंगे रेगुलर हम इनकी समझते नहीं है होता कुछ यू है कि मैं इनकी बारे में वो जो बोल दूं ना उसका हमेशा उल्टा ही होना होता है और देखे सर आज बॉलिंग ने ऐसी परफॉर्मेंस दिखा दी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने तो भाई कहा था न्यूजीलैंड जीतेगा अपनी बात पे अभी भी कायम हूं मैंने कहा था बिल्कुल कहा था कि न्यूजीलैंड आज जीतेगा लेकिन न्यूजीलैंड की नीयत कहां से लग रही थी पता नहीं न्यूजीलैंड को क्या हो गया ये आप मुझे खुद बताइए
न्यूजीलैंड की नियत लग रही किसी मैच में नहीं यार, अजीबोगरीब तरीके से खेल रही है, समझ नहीं आ रही कि वो क्या करना चाह रही है। मैं यकीन करें कि मुझे जिसको कहते हैं ना हैरानी हो रही है, चलो माना कि शुरू में बड़ा खतरनाक बॉल आ रहा था, लेकिन ये वही पिच है ना, वही पिच थी, और चलो थोड़ा सा कोई एक दो ही आउट कर देते स्टार्टिंग में आके, चलो हम भी कहते कि मजा मजा है न्यूजीलैंड जिसको कहते ना परेशान किया इंडिया को, लेकिन सीधे मैच रोहित शर्मा ने आराम से 50 मारा। पहला ओवर था जिसको कहते थोड़ा मुश्किल, उसके बाद कितना सुकून से वो खेले हैं, लेकिन क्या जबरदस्त किस्म जिसको कहते ना बॉलिंग की है, पिच का मसला नहीं था ये, बॉलिंग इंडिया ने बड़ी जबरदस्त किया है और बड़ा घटिया और बड़ा गंदा खेला है न्यूजीलैंड, तो इसमें हमें ब्लेम जो है वो सीधा सीधा न्यूजीलैंड को है और क्रेडिट जाता है इंडिया की टीम।